हरियाणा में आने वाली 16 मई को इंडियन नेशनल लोकदल SYL के मुद्दे पर पंजाब के सरकारी वाहनों का चक्का अंबाला में थामेगी, जिसके चलते अंबाला में पंजाब से आने वाले सरकारी वाहनों को रोकने का काम इनेलो द्वारा किया जाएगा। अंबाला पहुंचे इनेलो नेता अभय चौटाला ने SYL मामले पर बड़ा बयान देते हुए कहा कि SYL का हरियाणा के हिस्से का पानी पंजाब से दरिया के जरिए पाकिस्तान जा रहा है और उसी पानी से फसलें खराब होने का हवाला देकर पाकिस्तान भारत से मुआवजे की मांग करता है। अभय चौटाला ने बताया कि अंबाला में नेशनल हाईवे 1 पर इनेलो कार्यकर्ता पंजाब से आने वाले सरकारी वाहनों को रोकेंगी, वहीं पंजाब से आने वाले निजी वाहनों को रोककर यह एहसास दिलवाया जाएगा कि अब हरियाणा अपने पानी के लिए सब्र नहीं कर सकता। अभय चौटाला ने यहाँ केंद्र सरकार पर जानबूझकर इस मामले को लटकाने के आरोप भी लगाए। अंबाला से जाट टीवी न्यूज़ के लिए कृष्ण बाली की रिपोर्ट। 10 जुलाई पे नहर पे काम शुरू नहीं होगा तो अंबाला किंग फिशर के ऊपर हजारों लोगों को लेकर के आएंगे। पंजाब से जो भी साधन हरियाणा में इंटर करेगा हम उसको रोक देंगे, और जो कोई प्राइवेट व्हीकल्स में जाएगा उसको हम रोक करके कहेंगे कि 1 घंटे रोकने की आपको कितनी बड़ी तकलीफ हुई है, हमें 50 साल हो गए इस तकलीफ को झेलते हुए, अब हम और ज़्यादा नहीं झेल पाए। पाकिस्तान जा रहा है सारा पानी, दरिया जो है उस दरिया के माध्यम से पाकिस्तान जाता है, और पाकिस्तान की जो सरकार है वो हमारे से मुआवजे के रूप में पैसा लेती है कि हमारे यहाँ ये पानी आकर के दरिया का फसलें खराब करते हैं। सरकार कहीं भी चुपचाप नहीं बैठी हुई है, हरियाणा सरकार जो उसके ऊपर दायित्व है उसको पूरा निभा रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से केस जीते हुए हैं, और शोर तो हमेशा हारने वाला मचाता है, हम तो जीते हुए हैं, हमें कोई शोर मचाने की जरूरत नहीं है, और हमें सुप्रीम कोर्ट पर, देश की कानून व्यवस्था पर पूरा भरोसा और विश्वास है, और हम राष्ट्रपति महोदय से भी मिल के आए हैं, और हम प्राइम मिनिस्टर के बिहाफ पर देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी को भी मिल के आए हैं।